तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि ये पिछले टाइम हम लोग ने बनाए थे गन, तो इसको अब अनव्रैप करना है। तो अनव्रैपिंग कैसे करोगे? सिंपल है, यहाँ पर आना है क्लिक एंड यहाँ पर यूवी एडिटिंग, जिससे कि आपका जो गन है वो दो में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जैसे सिलेक्ट करता हूँ ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले मैश में जाता हूँ, सेपरेट करता हूँ जिससे कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग हो जाए, करेक्ट? और सारे कनेक्ट भी है देखो एक दूसरे को, तो ये बेनिफिट होता है। अब हर एक पार्ट को स्लोली स्लोली काम करना है। जैसे कि कंट्रोल वन दबाओ, ये सिर्फ दिखाई देगा हमें ऑब्जेक्ट कुछ इतना, और यहाँ पर क्रिएट में जाकर प्लेनर लेना है ब्रैकेट में, और यहाँ पर कैमरा। जैसे ही प्रोजेक्ट करोगे ये देखो ऐसा कुछ आएगा। फिर जो कुछ भी आप देखोगे उसको पहले एज को बीच में क्लिक करो और बीच में क्लिक करो, जिससे क्या होगा पूरी एज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और पूरा सिलेक्ट होते ही यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक कट, और फिर यूवी की मदद से दोनों यूवीज को अलग कर दो। जैसे कि ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है जो कि हमें दिख नहीं रहा। चेक करते हैं बाहर से पूरा हो चुका है, यहाँ से हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, अंदर की तरफ हाँ पूरा चेक करना जरूरी है। ये देखो कि यहाँ से भी कट है पूरा, ओके, यहाँ पर भी कट है, तो वो जुड़ा कहाँ से? ठीक राइट क्लिक, फेसेस, टॉप व्यू में जाता हूँ, है। पूरी एक साइड सिलेक्ट, हाँ हो चुकी, यहां से भी हो चुकी। रिटर्न एक बार प्लेनर डाल दो चाहिए तो, और फिर जैसे कंट्रोल जेड, प्लेनर नहीं था सॉरी, कैमरा व्यू से लेना था मुझे, ऐसे हाफ मैंने सिलेक्ट किया, क्रिएट प्लेनर में कैमरा एंड प्रोजेक्ट, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, आधा हो चुका। अब सिंपली शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, अनफोल्ड कर दो, ये देखो इसको भी सेम डबल क्लिक, अनफोल्ड एंड अनफोल्ड, ये देखो। अब ये ज्वाइंट कहाँ से होगा? जहां से आप करवाना चाहो, जैसे कि ऊपर के पार्ट से करवाओ या फिर नीचे से करवाओ, ये आपके ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि नीचे से हो जाए, नीचे से प्लेन है पूरा, तो राइट क्लिक एज, यहां से यहां तक स्टिच टुगेदर, फिर यूवी और अनफोल्ड, ये देखो पूरा ओपन हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे उसका टेक्सचर जब आएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर भी सेम, जैसे कि फ्रंट पार्ट है वो, तो फ्रंट में आ जाओ, यहाँ पर चेक करो, यहाँ से वो टच होने वाली है, तो एज ले लो, यहाँ से यहाँ तक स्टिच टुगेदर, यूवी डबल क्लिक और एक बार अनफोल्ड कर लो, ये देखो हो गया परफेक्ट, यहाँ से अटैच हो जाएगी ना वो, तो फिर जो सर्कल रहेगा वही अलग रहेगा, जैसे कि ये वाला देखो, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हमें रहेगा। अब ये कौन सा पार्ट है वो भी देख लो, जैसे कि ये पार्ट है तो ठीक है, उतना आप छोड़ सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैंने ये वाला कनेक्ट करवाया, ये सर्कल अलग से रखा हुआ, तो हाफ ही कर देता हूँ जाने दो, क्योंकि मर्ज मैं नहीं चाहता कुछ प्रॉब्लम हो बाद में। तो कट, यूवी डबल क्लिक एंड अनफोल्ड, ऐसे ही रख देता हूँ, हो गया। कंट्रोल वन वापस दबाओ, राइट क्लिक, ये जो हो चुका है मेरा उसे हाइड कर दो, कंट्रोल एच, कि उसके ऊपर मुझे वापस काम नहीं करना है। इसे सिलेक्ट करो कंट्रोल वन कुछ इस तरीके से, रिटर्न प्लेनर, तो प्लेनर कैसे लोगे? क्रिएट प्लेनर, आ गया। कोई भी सर्कल चीज अगर अनव्रैप करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसका जो सर्कल आगे का होता है और पीछे का होता है उसे निकाल दो, ठीक
इसे भी जैसे कि ये वाला पार्ट कट और ये वाला पार्ट कट, इससे क्या होगा, करके ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा डबल क्लिक, ये देखो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और दो पार्ट्स अलग हो जाएंगे। अब ये जो बाहर का पार्ट है उसे मैं नीचे से कट दे देता हूं कि यहां से कट चाहिए, और अंदर का जो है उसे मैं बोलता हूँ यहां से कट देना चाहिए। फिर सबको एक साथ ये कर सकते हो यूवी सेल सिलेक्ट एंड अनफोल्ड, ये देखो, क्योंकि अलग करने से फायदा ये होता है कि इजीली हम लोग उसे अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न एज पे जाओ, कोई भी एक एज को स्टिच करवा दो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि टेक्सचर उसके साथ मतलब मुझे पता रहेगा कि वो उसके साथ है करके, और ये अंदर का पार्ट है। फिर यूवी सेल पर जाता हूँ, इसका भी काम हो चुका है, ई दबाता हूँ, रोटेट करके रख दो कुछ इस तरीके से। रिटर्न यहाँ पर आओ, Ctrl 1, इसे Ctrl H, हाइड, काम हो चुका। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है उनको करवा देते हैं फटाफट, सिलेक्ट क्रिएट प्लेनर, इसके जो अंदर का पार्ट है उसकी जरूरत नहीं है, चलो अच्छा है पहले से ही कट है। तो सिर्फ क्या करना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर कट, यूवी डबल क्लिक एंड अनफोल्ड, ये देखो ओपन हो चुका, हाइड कर दो, इसे सिलेक्ट, ऐसी कोई भी चीज हो तो पहले अलग कर दो, दो पार्ट में डिवाइड, प्लेनर एच, इसके जो एजेस होते हैं जैसे कि ये एक एच और ये एक एच, कट करो पूरे को, सिलेक्ट करो और अनफोल्ड करो, सिंपल। अब ये यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर कहीं पर तो अटैच है, तो इसके जो पॉइंट्स है, मूव टूल लेता हूँ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, वो अटैच, ये देखोगे अटैच है। करूँ क्या, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, वर्टेक्स पे आता हूँ, मैं टारगेट वेल्ड और इन दोनों को अटैच कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ से भी वो क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला जो एज है, ऑब्जेक्ट मोड सिलेक्ट एज सिलेक्ट, ये ओपन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ तो अटैच है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो वर्टेक्स था, तो यूवी करता हूँ और ई दबाकर रोटेट करता हूँ, ऐसे हो चुका, कंट्रोल एच। तो ऐसे जो जो पार्ट्स हो जाते हैं वो फटाफट हाइड किया करो, जिससे कि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। Ctrl 1, ये पूरा एक ही बनाया हम लोग, तो जब भी पूरा बनाते हैं उससे पहले प्लेनर ले लो और फिर एज लेकर डबल क्लिक करके कट दे दो। अब ये पूरा कट हुआ है कि नहीं देखते हैं, नहीं हुआ है तो ये यहां से कट हो चुका, नीचे आते हैं, ओके यहाँ पर कट नहीं हुआ, तो यहां से इस लाइन में पूरा ले लो जहां तक ये जा रहा है, देखोगे यहां तक ही आ रहा है, फिर यहां से यहां तक ऊपर आते हैं, ये कुछ इस तरीके से, हाँ और कट दे देते हैं, जिससे कि ये अलग और ये अलग। फिर सिंपल यूवी सेल सिलेक्ट एंड अनफोल्ड, ये देखो। अब इसमें भी आप कोई कोई पार्ट्स जो है वो अलग कर सकते हो, जैसे कि एज लेता हूं, ये चार पार्ट्स, ये कोने वाले दो और ये चार, कट, इनको अलग निकाल लो, यहां से भी अलग हुआ रहेगा, नहीं हुआ है, इसमें था वो, ये देखो, और फिर एज लेकर उन दोनों को चिपका दो और फिर उनको अलग से अनफोल्ड कर दो, ये देखो स्ट्रेट हो गया जैसा था। ऊपर का पार्ट छोड़ दो,
साइड का आगे का देखो ये निकाल देते हैं कट, निकालता हूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचेगा, तो एज से इन दोनों को स्टिच टुगेदर और दोनों को सिलेक्ट करके अनफोल्ड किया जाता है। और फिर जैसे कि ये सब तो एक साथ ही रहने वाला है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये कट कहाँ पर लगा है वो चेक करो सबसे पहली चीज, ये जो कट लगा है ये वाला, तो देखो कि यहाँ पर कहीं पर लगा है, क्यों लगा है वो भी चेक करते हैं। जैसे कि यहां से कुछ है तो नहीं, लेकिन देखते हैं स्टिच टुगेदर करके, नहीं सीव नहीं, मतलब ये अलग ही रहेगा कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कुछ इशू है। तो वर्टेक्स ले लो, टारगेट वेल्ड इसको इसके साथ लगा दो, इसको इसके साथ लगा दो, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो किसके साथ किए थे पहले देख लेते हैं, सेंटर पॉइंट 3, तो यहाँ पर आते हैं इसको इसके साथ इसको इसके साथ ऐसा कुछ। तो इससे होगा क्या, उससे यहाँ पर भी थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा। तो मैं अनफोल्ड करूंगा यूवी सेल, एक सिलेक्ट क्यों करता, ऑब्जेक्ट मोड क्यू यूवी सेल, ये दोनों यूवी सेल को एक बार और अनफोल्ड करूंगा, ये देखो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और फिर इनको अटैच कहाँ से करवाना है, नीचे से, तो एच यहां से लेकर यहां से मैं यहां तक लेता हूं, देखो बीच में दो पार्ट्स रह गए, जूम इन। कभी कभी बीच में कट क्यों पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ रह जाता है, ये भी ध्यान रहे। ये देखो परफेक्ट एच, ये वाला एच कनेक्ट हो चुका, मैंने ये किया था ना, ओके ये भी अटैच हो चुका है। अब आगे आते हैं, ये वाला पार्ट कट है स्टिच टुगेदर, यहां से यहां तक स्टिच टुगेदर एंड यूवी को सिलेक्ट करके अनफोल्ड, ये देखो। तो हमेशा ध्यान रहे ऐसा ही कुछ होना चाहिए, वरना आप लोग कुछ अलग कर दोगे, ये नहीं होगा। ये देखो ये हो सकते हैं कनेक्ट, तो यहाँ 1 2 3 4 5 स्टिच टुगेदर, ये भी होगा, यूवी अनफोल्ड, बार बार अनफोल्ड करके देखा करो कहाँ पर गलत हो रहे हो। एच स्टिच टुगेदर, ये नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर पॉलिश गलत है, ये देखो चलेगा उतना सा, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने। अंदर कैसे चलेगा, हाँ, तो देखो कि ये हो गया। अब कोई भी एक पार्ट को कहीं से भी अटैच करवा दो ऐसा कुछ, और यूवी को लेकर ई दबाकर थोड़ा सा रोटेट करो और अनफोल्ड कर दो, जूम आउट हो गया, Ctrl 1 Ctrl H Ctrl C, ये वाले को लेते हैं, इसको भी सेम राइट क्लिक एच क्यू डबल क्लिक, पूरा हुआ कि नहीं चेक करो, वरना पता चला हम कट दे दिए और फिर कट यूवी अनफोल्ड अनफोल्ड। अब यहाँ पर कहीं पर कुछ इश्यू है, जैसे कि ये वाला देखोगे एच स्टिच टुगेदर स्टिच टुगेदर यूवी अनफोल्ड अनफोल्ड, हो गया प्रॉपर। अटैच कहाँ से करवाओगे, तो मैं यहाँ से करवा सकता हूँ या फिर यहाँ से, ये यह आपके ऊपर है, तो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, एक यहाँ तक Ctrl Z यहाँ तक, सॉरी
एक बार भी अगर गलत क्लिक करोगे तो वो बार बार वैसे ही करेगा। ये वाले फ्लो को मैं स्टिच करवाना चाहता हूँ और अनफोल्ड करवाना चाहता हूँ। ये देखो खुद ही प्रॉपर कर देता है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको हाइड करता हूँ। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसको ले लेता हूँ। ये दो रहेंगे मेरे पास, तो दोनों को क्रिएट। प्लेनर दोनों आ चुके हैं। आई डोंट थिंक इसे कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। डबल क्लिक अनफोल्ड, डबल क्लिक अनफोल्ड। ये देखो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर करना है तो एज को पूरे सिलेक्ट करो, कट करो, यूवी को अनफोल्ड करो, तो ऐसे कुछ निकलेंगे। ये भी अभी अनफोल्ड करोगे तो स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा कुछ। अंदर की भी करना और पड़ेगा। फिर इसमें एक कट देना पड़ेगा और फिर रिटर्न यूवी को अनफोल्ड करो तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन ये कैसे कि एक पूरा लूप में आने वाला है, तो आपको ये ओपन करने की जरूरत नहीं चाहिए। तो आप ऐसे कनेक्टेड रख सकते हो, क्योंकि इसको जो टेक्सचर आने वाला है वो भी मेटल का ही आने वाला है। लेकिन अगर चाहिए स्ट्रेट आए तो ई दबाकर ऐसा स्ट्रेट का ट्राई कर सकते, तो वो टाइम ज्यादा जाएगा। तो एज तो हमारा अलग है ही, तो सिर्फ बीच वाले जो पॉइंट्स है उनको अनफोल्ड करो, उसके हिसाब से इनको सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से। ई दबाओ, रोटेट करो, कंट्रोल जेड, ये बच गया। कुछ इस तरीके से यूवी को सिलेक्ट करो, आर थोड़ा सा बड़ा, और फिर एच को स्टिच टुगेदर करो। लेकिन इसे आप अनफोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अनफोल्ड करोगे तो आई थिंक वो गड़बड़ करेगा। तो ये भी एक अच्छा है, जैसे कि रिटर्न यूवी अनफोल्ड सेम पॉइंट्स, आ ई रोटेट, यूवी को डबल क्लिक, आर थोड़ा सा बड़ा, एच डबल क्लिक एंड स्टिच टूगेदर। क्लियर? दोनों को हाइड कर दो, शिफ्ट कंट्रोल एच। ये वाला भी अलग बनाया हुआ है, कंट्रोल वन एच डबल क्लिक कट यूवी अनफोल्ड यूवी सॉरी अनफोल्ड एच। कहाँ से अटैच करवाना है मैं बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्टिच टुगेदर यूवीज अनफोल्ड, फिर एच कहाँ से कनेक्ट करवाना है, जैसे कि ये जो पार्ट्स है आई थिंक यहाँ पर है, ये देखो, तो एक यहाँ तक स्टिच टुगेदर और अनफोल्ड। ये देखो प्रॉपर आ चुका। यहाँ का भी देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ अलग दिख रहा है। स्टिच टुगेदर, स्टिच टुगेदर यूवी अनफोल्ड, एक बचा वापस, दोनों को सिलेक्ट करो, स्टिच टुगेदर सॉरी कर सकते हो। ये स्टिच नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो डायरेक्शन दोनों पैरेलल के अलग है, तो आपको सीव करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। फिर यूवी पे आकर वापस अनफोल्ड करना पड़ेगा, फिर एज ले लो। हाँ ये एज कहाँ का है वो चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड एज, ये एज है, तो मैंने एक साइड से किया हुआ है तो दूसरे साइड से अटैच करवा कर फायदा नहीं है, जिससे कि मॉडल खराब हो सकता है, तो मत करना। ई दबाकर थोड़ा सा रोटेट कर दो और कंट्रोल एच सॉरी कंट्रोल वन हाइड, और ये कर लिया मैंने एक साथ।
अब इसको ले लेते हैं, अंदर के फेसेस नहीं है तो आई डोंट थिंक इसको कुछ करना पड़ेगा मुझे। करेंगे। कंट्रोल जेड, ये पहले से ही डिवाइड हो चुका है, स्टिच टुगेदर, यूवी अनफोल्ड, ये देखो एच स्टिच टुगेदर या फिर सीयू अनफोल्ड, हो गया। ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल एच हाइड, ये उन्होंने खुद से कट दिया है तो मुझे कट नहीं चाहिए इसलिए हाइड। इसको भी प्लेनर अनफोल्ड, ऐसे करके छोड़ दो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं मेहनत सा। ऑब्जेक्ट मोड दोनों सिलेक्ट, हाइड कंट्रोल वन, बड़े वाले को पहले फटाफट कर देते हैं। एजेस सॉरी, पहले प्लेनर तो ले ले, सिलेक्ट क्रिएट यूवी एडिटिंग, प्लेनर एज कट अनफोल्ड, यहाँ पर कहीं पर वो अटक गया है जैसे कि सिलेक्ट नहीं हुआ बराबर, ये देखो यहाँ पर, क्योंकि नीचे हम लोग ने कोई लूप लाइन नहीं दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, सिलेक्ट मल्टी कट लेता हूँ और एक यहाँ से यहाँ तक का एक लूप लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं बाद में एज लेकर कंट्रोल जेड कट दे देता हूँ और दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, अनफोल्ड अनफोल्ड। और फिर अटैच कहाँ से करवाओगे, अटैच ऐसी जगह से करवाना है जहां से दिखाई ना दे, तो मैं क्या करता हूँ एज यहाँ से यहाँ तक का जो एज है वो स्टिच टुगेदर यूवी और अनफोल्ड, ऐसा कुछ, ये लो हो गया। इसको अगर और ओपन करवाना है तो ये जो चार पार्ट्स होते हैं कॉर्नर्स के, उसे कट दे दो, और यहाँ के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ध्यान रखो सिर्फ कॉर्नर्स कट दे दो, यूवी को सिलेक्ट करो और अनफोल्ड करो तो वो और ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी हो गया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल एच हाइड कंट्रोल वन, बाकी सब अनहाइड करने के लिए। अब इसको क्या करूं, तो इसको तो मैं ओपन ही रखूंगा, सिर्फ एक बार प्लेनर से देखते हैं, प्लेनर और एक बार अनफोल्ड, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो इसको क्या किया जाए। तो जो कॉर्नर्स होते हैं ये तीन, और जैसे कि इसका कॉर्नर पॉइंट है ये दो, वैसे तो दो ही लेने चाहिए मुझे, तो दो ही लेते हैं, ये दो यहाँ पर आता हूँ, ये दो जैसे कवर चढ़ाते हैं ना बाइक वगैरह पे उस तरीका का ही है पूरा, यूवी अनफोल्ड, ये देखो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर से तो रिटर्न इसको हाइड, इसको भी कर देता हूँ राइट क्लिक, पहले क्रिएट प्लेनर ऑब्जेक्ट मोड क्रिएट प्लेनर राइट क्लिक एच कॉर्नर लाइंस, एक दो तीन चार, यहाँ पर आता हूँ पाँच छ सात आठ कट यूवी अनफोल्ड ऑब्जेक्ट मोड, ये भी हो गया मेरा काम ऑब्जेक्ट मोड, एंड इसको भी कर दूंगा मैं हाइड। अब यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट, पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, पहले प्लेनर क्रिएट प्लेनर, इसको भी लेता हूँ एक साथ क्रिएट प्लेनर ऑब्जेक्ट मोड प्लेनर सिलेक्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है
तो इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका भी सेम प्रोसेस ही हम लोग करेंगे। एजेस जो है, एक दो तीन चार पांच छ, यहाँ पर आता हूँ, ये एक एज, ये एक एज, यहां से कुछ करूंगा नहीं मैं, डायरेक्टली नीचे आऊंगा, ये एक एज, और ये एक एज हो गया। कट, यूवी एंड अनफोल्ड, कहीं पर तो हमारे मैनिफोल्ड्स है इसलिए ऐसा आया, तो कंट्रोल अंडू कर दो। मैनिफोल्ड्स मतलब क्या कि कह सकते हो एक प्रकार से, कहीं पर तो हमारे ट्राइंगल्स बचे हुए या फिर मोर देन ट्राइंगल्स, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? सिंपली सिलेक्ट रखो, शिफ्ट राइट क्लिक के साथ क्लीन अप आएगा, और यहाँ पर मोर देन 4 साइड्स, फेसेस विथ होल्स एंड नॉन प्लेनर फेसेस, फेसेस मोर देन 4 साइड्स, अप्लाई करो। तो देखोगे उस जहां पर भी कुछ प्रॉब्लम लगेगा उसको, वो उसे अटैच करवा देगा। पॉलीगन आ जाएगा मतलब। हाँ, कुछ इस तरीके, कंट्रोल अंडू भी कर सकते हो। और फेसेस मोर देन 4 साइड्स में अगर सिलेक्ट रखता हूँ, और यहाँ पर सिलेक्ट मैचिंग पॉइंट्स, अप्लाई, तो ये आपको बताएगा कहाँ पर क्या है। ये देखो पीछे का ही है, आई थिंक फेसेस है, ये देखो, तो ये जो अंदर के है उनकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला है अंदर के फेसेस रखने नहीं है बिल्कुल भी। अब चेक करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट मल्टी मैचिंग पॉलीगॉन्स और फेसेस मोर देन 4 साइड्स, अप्लाई, कुछ भी नहीं आया। और इस बार अभी अनफोल्ड करके देखेंगे, यूवी सिलेक्ट डबल क्लिक एंड अनफोल्ड, देखो इस बार कोई भी एरर नहीं आया। हाँ, लेकिन इसको कट जहां जहां पर डालने वो डालेंगे, क्यों? क्योंकि उससे वो थोड़ा ज्यादा ओपन होगा, हो चुके कट आई थिंक, हो चुके हैं, पिछली बार जो हमने टच किए थे वो अनफोल्ड हो चुके हैं, हो गया, ये देखो, तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका। तो इसको भी अभी हाइड करते हैं, कंट्रोल एच, इसमें आते हैं फेस, एक दो तीन चार, जो एक्स्ट्रा फेसेस है वो सारे सिलेक्ट एंड डिलीट, क्योंकि मुझे अंदर के फेसेस की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट मोड क्रिएट प्लेनर, राइट क्लिक एज, और जो कॉर्नर्स के थे सेम प्रोसेस, दो तीन चार पांच छ एंड सात, कट, यूवी एंड अनफोल्ड, ये देखो। इसको ऐसे ही करके छोड़ दो, इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हाइड कर देता हूँ। अब ये इतने से बचे हुए हैं, पूरी गन हो चुकी है हमारी, तो सिलेक्ट, इसको क्या करें, सिंपल है, सिर्फ प्लेनार ले लो और एक बार अनफोल्ड करो, कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो टेक्सचर चढ़ने वाला है वो एक सिंगल टेक्सचर चढ़ने वाला है, जिसको मल्टीपल टेक्सचर चढ़ने वाले होंगे उनको ही सेपरेट करना है, वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये देखो, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड हाइड, इसमें भी ये जो दो स्क्रूज है दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, प्लेनर दोनों को सिलेक्ट, अनफोल्ड, दोनों सिलेक्टेड ही है, ऑब्जेक्ट मोड पे आकर हाइड कर देता हूँ। इसमें भी आई थिंक ये वाले सेम ही रहेंगे, एक दो तीन, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्लेनर, इसके अंदर कुछ है क्या? ये देखो एक्स्ट्रा फेसेस है, तो फेसेस लो, जो एक्स्ट्रा फेसेस है उनको निकाल दो, कुछ इस तरीके से, आई थिंक मतलब इसके अंदर भी है, निकाल दो, क्योंकि एक्स्ट्रा फेसेस की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर सिलेक्ट करो, राइट क्लिक यूवी एंड अनफोल्ड, हो चुका, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड हाइड, इसको भी सिलेक्ट करो, आई थिंक इसको भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, प्लेनर,
अनफोल्ड हो चुका। प्लेनर अनफोल्ड ऑब्जेक्ट मोड हाइड। प्लेनर अनफोल्ड ऑब्जेक्ट मोड हाइड सिलेक्ट। अब इसका क्या करें, तो इसके जो कॉर्नर है वो काट दो। जैसे कि पहले एक बार प्लेनर ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट मोड प्लेनर एच 1 2 3 4 कट यूवी एंड अनफोल्ड हो गया ओपन। इसका भी सेम ठीक ऑब्जेक्ट मोड क्रिएट प्लेनर एच चारों सिलेक्ट कट यूवी अनफोल्ड राइट क्लिक सबको सिलेक्ट जितने हैं शिफ्ट एच अनहाइड के लिए कंप्लीट टूल ऑब्जेक्ट मोड सबको सिलेक्ट शिफ्ट एच अनहाइड क्यों नहीं हो रहा ठीक ना। आई थिंक इसकी हिस्ट्री आ गई रहेगी, तो पहले सिलेक्ट करता हूँ, हिस्ट्री क्लीन करता हूँ सबकी एंड शिफ्ट एच दबाता हूँ। हिस्ट्री बढ़ गई थी तो हिस्ट्री क्लीन करो पहले एंड शिफ्ट एच, तो ये हो गई। अब एक बार और हिस्ट्री क्लीन करो, कहीं कुछ बचाना हो, और फिर ऑब्जेक्ट में जाकर मैश में कंबाइन या फिर यहाँ से कंबाइन, जिससे कि वो एक मॉडल बन जाएगा, और फिर रिटर्न सबको सिलेक्ट करो एंड रिटर्न हिस्ट्री क्लीन करो, जिससे कि आपको पता चलेगा आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है। फिर सिलेक्ट करो यहाँ से यूवी, अभी सब एक साथ आएगा तो यूवी सब सिलेक्ट करो एक साथ, और यहाँ पर लेआउट में लेआउट यूवी कर दो। कहीं पर तो मैनिफोल्ड कुछ बचा हुआ है ऐसा बता रहा है, तो ऐसा वो कुछ लगाकर आपको दे देगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जो जरूरत के काम है वगैरह वो अलग से होने चाहिए, या फिर जो मेन पार्ट से उनपे टेक्सचर थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, तो उसे आपको मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए वो आपकी मदद नहीं करेगा। जैसे कि इन दोनों को अलग रखता हूँ, ये वाला जो है वो मेन पार्ट है मेरा, तो ऊपर लेकर आता हूँ। ई थोड़ा सा स्ट्रेट, इसमें अगर आपको और स्ट्रेट चाहिए तो अनफोल्ड के अंदर ऑप्टिमाइज दिया रहेगा, जो कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके आपको दे देगा। ई करके रोटेट और मूव टूल से बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये यूवी इसके अंदर आने वाला है, तो ये भी मुझे थोड़ा सा डिटेल में चाहिए, तो इसको भी लेता हूँ यहाँ पर कुछ यहाँ तक। अब इसकी जो डिटेलिंग रहेगी वही इसके अंदर भी आनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर आपको डेंसिटी दी रहती है कि जितने पिक्सल्स इसके अंदर आ रहे हैं उतने ही इसके अंदर भी आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गेट करूंगा कि उसकी डेंसिटी गेट होगी, और इस पे सेट करूंगा, सेम ही थी दोनों पे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको लेता हूँ मैं नीचे, इसको रखता हूँ इधर, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये अंदर का पाइप है, तो इसे रखता हूँ इन सबको थोड़ा सा नीचे, इसको लेता हूँ यहाँ पर आर थोड़ा सा बड़ा, और ये भी मुझे थोड़ा डिटेलिंग में चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा, कुछ इस तरीके से। फिर ये वाला जो है वो हैंडल का पार्ट है, तो इसे यहाँ पर रख देते, इसको निकालते हैं। ध्यान रहे जो सेम सेम है वो आप ओवरलैपिंग भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही करो। जैसे कि स्क्रू जो थे वो ओवरलैपिंग भी आप रख सकते हो, तो इसे थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। फिर दो हैंडल्स है मेरे पास, तो दो हैंडल्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्हें मैं फ्लिप करके नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों की जो मेजरमेंट्स रहेंगे वो अलग रहने वाले हैं, क्योंकि
लेफ्ट राइट का जो टेक्सचर रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। तो एक को यहाँ पर रखूंगा, इन सबको निकालूंगा नीचे और इसको लूंगा ऊपर। ई दबाता हूँ, रोटेट करता हूँ कुछ इतना, और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा इशू आ रहा है, रोटेट कर देता हूँ। ओवरलैप मत करना बिल्कुल भी, तो इसे कुछ यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये वाला क्या है, ट्रिगर है। ट्रिगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रह जाए। जगह सारी एडजस्ट करो, ये क्या है, ये भी बटन का काम आएगा मेरे को। तो ई दबाता हूँ, थोड़ा रोटेट करता हूँ, फिक्स करता हूँ ये वाला और ये वाला पार्ट। देखोगे ये और ये, ई दबाता हूँ, रोटेट करता हूँ। बराबर रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा क्योंकि पूरा ऑपोजिट है, तो फिर से अंदाजे से लगाना पड़ेगा। एक को यहाँ रख देता हूँ और एक को यहाँ रखूंगा। है ऊपर जगह है अपने पास। ओके अब ये वाले ट्राई करते हैं। जैसे कि ये देखोगे, ये और ये, ई दबाता हूँ ऐसे कुछ, ये देखो। फिर वो थोड़ा सा मिसमैच चलेगा, ज्यादा नहीं। ये वाला आई थिंक सेम ही है। आर मूव टूल बीच में रखता हूँ, आर ई थोड़ा सा रोटेट और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा मूव। ये लेकर आता हूँ, ये भी। अभी ये सब भी सेम ही है, तो इन सबको भी ले लो यहाँ पर, इसे भी ले लेता हूँ, इतने ही है। ओके इसको देखते ट्राई करते, आई थिंक हो जाएगा। चलेगा। इन दोनों को सिलेक्ट, मूव करके एक साथ रोटेट यहां पर रखता हूं, आर दबा कर थोड़ा बड़ा कुछ इस तरीके से। एंड जैसे कि ये वाला जो था, इसे भी यहाँ पर आर आर ई थोड़ा सा रोटेट, सबको सिलेक्ट। यहाँ पर नीचे जाओगे तो अलाइन के भी ऑप्शंस मिलते हैं, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट कर देता हूँ। इसको भी लेता हूँ, आर ई मूव टूल, इसको भी लेता हूँ, आर ई आर, सबको सिलेक्ट। आई थिंक हो चुका ना, हो चुका, सबको सिलेक्ट, सेंटर सेंटर, सबको सिलेक्ट, राइट क्लिक, वर्टेक्स आर, ओके प्रॉब्लम। ये आधे अलग है और ये आधे अलग है, ऐसा कुछ। और
हाँ ठीक है। हाँ हो गया पूरे यूवी सेल को सिलेक्ट, कहीं पर भी एक जगह पर लेकर जाकर रख दो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके हो चुका, ये देखो एक बज गया। 3 3 ये है वो, ई थोड़ा सा रोटेट, मूव टूल की मदद से लगा देता हूँ। ये अलग है, इसे मैं लेता हूँ यहाँ पर, आर दबाता हूँ, थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा रोटेट, आर थोड़ा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो हम लोग ने गेट किए थे वो इसको मैं सेट करूंगा कि उसकी जो सेटिंग है वो सेम हो जाए। रोटेट करता हूँ कंट्रोल जेड मूव टूल की मदद से, जहां पर भी जगह मिले वहां पर लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। इसमें भी इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लेकर आता हूँ, आर दबाकर बड़ा करता हूँ, ई दबाकर रोटेट करता हूँ, जिसकी मदद से डिटेल में चाहिए तो बड़ा करने का, डिटेल नहीं चाहिए तो छोटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चारों को सिलेक्ट अलाइन करता हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इन दोनों को यहाँ पर लेता हूँ क्योंकि ये लास्ट है दोनों। मूव टूल से रोटेट, बाय बाय, ई करता हूँ रोटेट कुछ इतना, मूव टूल से कुछ कुछ इस तरीके से, ई मूव टूल की मदद से ई ऐसा कुछ रहेगा, ये देखो ई, और मूव टूल से कुछ यहाँ पर। ओके सीड रिटर्न सेम, राइट क्लिक यूवी आर, वाटर कलर के अंदर
हाँ कुछ टाइप के बना वो एक प्लास्टिक का काम तो नहीं, तो ऐसा ये करेक्ट ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख देते, ये इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा स्केल इसको भी लेता हूँ यहाँ पर रखकर, स्केल पर राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सबको सिलेक्ट, हिस्ट्री क्लीन एंड फाइल सेव, हो गया। तो ऐसा आपको मेंटेन करना पड़ता है पूरा यूवी। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी टेक्सचरिंग देखेंगे, आज के लिए इतना ही।